पंजाबी नेशनल खबरां च आप सब नू जी आया। मैं हां सवलीन कौर जसड़ ते हुण पेश ने अज दीआं मुख खबरां। 31 किसान जथेबंदियां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह विचकार होई एक अहम मीटिंग। मुल्तानी केस संबंधी सवालों के घेरे च 6 घंटे घिरिया रहा सुमेत सैनी। एमनेस्टी ने भारत विच अपना काम बंद करन दा कीता ऐलान। भारत चीन टकराव दरमियान सेना नू हथियारां नाल लैस करन दी हो रही है तैयारी। दिल्ली विखे खेती बिलों के विरोध च ट्रैक्टर साड़न वाले 5 व्यक्तियों नू पुलिस ने कीता गिरफ्तार। ते हुण खबरां दा विस्तार। खेती बिलों नू लैके किसानां वल्लों चल रहे जोरदार संघर्ष दौरान वख-वख सियासी पार्टियां भी आपो अपना लाहा लैण विच पिछे नहीं। जिथे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी की सारी लीडरशिप नाल शहीद भगत सिंह दे जन्मदिन मौके उन्होंने ग्रह पिंड खटकड़ कलां विखे शहीदां नू सिजदा करन दे नाल नाल धरना प्रदर्शन भी किया। उत्थे इस मुद्दे ते गठजोड़ तोड़ चुके अकाली दल नू अपने आप नू किसान हितैषी दर्शाउण लई पंजाब दे तूफानी दौरे करने पै रहे ने। अपना मालवे दा दौरा जारी रखदिआं हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र नाल आर पार दी लड़ाई दा बिगल भी वजा दिता है। श्री मुक्तसर साहब फिरोजपुर आदि के दौरे मौके वर्करां दे इकट्ठ नू संबोधन करदिआं उन्होंने साफ आख्या कि पहला चंडीगढ़ फिर दिल्ली नू हिला के रख देंगे। वर्करां नू तकड़े होण दा होका दिंदिआं उन्होंने आख्या कि खेती बिलों नू वापस करवा के ही दम लवांगे। दूजे पासे सुखबीर बादल ने अमृतसर अते गुरदासपुर विखे वर्करां नू संबोधन किया जिथे गुरदासपुर विच भाजपा के कई आगू अकाली दल विच शामिल होए। इस दौरान आप अते बसपा भी वगदी गंगा च हथ धोण लई उतावलियां ने। बहुत चर्चित बलवंत सिंह मुल्तानी मामले विच पहला ही गिरफ्तारी दी तलवार दा सामना कर रहे साबका डीजीपी सुमेद सैनी दीआं मुश्किलां होर वध गईआं ने। 2015 दे बहबल कलां गोली कांड विच SIT ने अदालत विच दायर अपनी रिपोर्ट विच सुमेद सैनी अते लुधियाणे दे तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमराज सिंह उमरा नंगल नूं दोषी वजों नामजद कीता है। इस मामले विच वी सैनी उपर गिरफ्तारी दी तलवार लटक गई है। दस दईए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी तों बाद 14 अक्तूबर 2015 नूं वापरे बहबल गोलीकांड दी पड़ताल विशेष जांच टीम कर रही है। मिली जानकारी मुताबक विशेष जांच टीम वल्लों कीती पड़ताल दौरान सामने आया कि IG परमराज सिंह उमरा नंगल 14 अक्तूबर 2015 नूं सवेरे बहबल कलां विच आ गया सी जिथे सिख संगतां बेअदबी खिलाफ शांतमई धरने ते बैठियां सन। उस वेले दे DGP समेत सैनी ते IG परमराज उमरा नंगल ने ही सियासी दबा करके संगतां नू हटाउण दी योजना बनाई सी। इत्थे चली पुलिस दी गोली नाल दो सिख नौजवान कृष्ण भगवान सिंह अते गुरजीत सिंह दी मौके ते ही मौत हो गई सी जदों के 32 दे करीब व्यक्ति जख्मी हो गए सन। जांच टीम दा दावा है कि इस तों बाद पुलिस अधिकारियां ने दो सिख नौजवानां दे कतल नू कथित तौर ते जायज़ ठहराउण लई धरनाकारियां ते ही इरादा कतल अते पुलिस ते हमला करन दे दोषां तहत केस दर्ज कर दिता सी। जांच टीम ने पड़ताल च दावा किया है कि पुलिस की जिप्सी च गोलियां धरनाकारियां वालों नहीं मारियां गईयां बल्कि पुलिस अधिकारियों ने खुद नूं बचाउण लई जिप्सी विच खुद गोलियां मार के झूठी गवाही तैयार की सी। दूजे पासे सुमेद सैनी बीते दिन मोहाली के मटौर थाने विच पेश होया सी। उत्थे उस तों 200 तों लैके 250 सवाल पुछे गए जिस विच उस तों पुछया गया कि लापता दौरान वह कित्थे रहा अते मुल्तानी मामले संबंधी भी घट्टो घट 6 घंटे सवालों की झड़ी लई रखी। खेती कानूनों खिलाफ पंजाब दे किसानां नाल संघर्ष करन वालियां 31 संघर्षशील किसान जथेबंदियां ने अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल चंडीगढ़ विखे मीटिंग कीती जिस विच सरकार वल्लों किसान आगुआं नूं भरोसा दिता गया कि हफ्ते दे अंदर ही पंजाब विधानसभा दा विशेष इजलास बुला के 3 खेती बिलां अते बिजली एक्ट 2020 नूं रद्द कीता जाएगा। इस मीटिंग विच भारत भूषण, आशु, सुखी रंधावा, बलबीर सिंह सिद्धू अते सुनील कुमार जाखड़ भी मौजूद सन। ताए दी धी चली ते मैं क्यों रहा कली वाली कहावत अनुसार लंबे समय तो चुप धारी बैठे तेज तरार आगू नवजोत सिंह सिद्धू आखिर किसानी संघर्षा विचों अपनी जमीन तलाश दे मैदान विच आ गए ने। 2-3 दिन पहला अपने हल्के विच सारे कौंसलरां नू लैके केंद्र दे खेती बिलों का विरोध प्रदर्शन करन तो बाद हुण उन्होंने मालवे वल नू चाले पा ले ने ते इको दिन संगरूर अते धुरी विच वर्करां दे इकट्ठ नू संबोधन करदिआं केंद्र नू इक वार फिर ललकारदिआं आख्या कि सरकार ने मेरी पग नू हथ पाया है ते मैं किवें चुप रह सकदा। इकट्ठ भावें घट सी पर सिद्धू की रैली उही तेज तरार वाली सी। उन्होंने केंद्र दे नाल नाल पंजाब सरकार नू भी रगड़े लाए ने अते किसानां नू अपील की है कि वह खुद चोण लड़न अते सिस्टम विच सुधार करन लई कदम पुटन। जिथे चौं पासे खेती बिलों का विरोध हो रहा है उत्थे ही सियासी धिरां भी जम के इस दा लाहा लैण विच रुझियां होईयां ने। हुण कांग्रेस दे राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ते साबका प्रधान शमशेर सिंह दुल्लो दा आखना है कि राष्ट्रपति ने खेती बिलों ते नहीं बल्कि किसानां दे डैथ वारंट ते दस्तखत कीते ने। उन्हां राष्ट्रपति दी इस कार्रवाई नूं वड्डी गलती करार दिंदिआं आख्या कि 255 साल पहलां भी अजिही ही एक गलती होई सी
1765 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਏ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ NDA ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ NDA ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ NDA ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ NDA ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ NDA ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 82,170 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 60,74,702 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 50,16,520 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 82.58% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,039 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 95,542 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 9,62,640 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,271 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,11,375 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90,345 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 17,746 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਯਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ
जो कदे निर्भया अते कदे यूपी दी धी नूं अपनी हवस दा शिकार बना रहे ने। पिछले दिन ही उत्तर प्रदेश दे हाथरस च एक 19 साला लड़की नाल गैंग रेप होया सी। अज उक्त लड़की दी मौत हो जाण दी खबर सामने आई है। दस दईए कि यूपी दे एक पिंड विच 19 साला लड़की अपनी मां नाल खेतां विच पशुआं लई चारा लैण गई सी, पर उस नूं इह नहीं सी पता कि इह दिन उसकी जिंदगी दा सब तों खौफनाक अते जानलेवा दिन होवेगा। जदों लड़की खेतां विच काम कर रही सी तां उस समय चार नौजवान आए ते उस नाल जबरदस्ती करन लगे। इन्ना ही नहीं, उन्होंने चारा ने गैंगरेप तो बाद उसकी धौण की हड्डी तोड़ दी। इन्ना ही नहीं, दरिंदगी दियां सारियां हद्दां पार करदियां उन्होंने उसकी जीभ भी कट दी ता कि वह किसी नूं अपना दर्द भी बयान ना कर सके। गंभीर हालत विच लड़की नूं हस्पताल ले जाया गया तो उक्त लड़की ने इशारिया नाल अपने बयान दर्ज करवाए। बाद विच पुलिस ने आरोपियों नूं गिरफ्तार कर लिया। लड़की के परिवार वाले अते स्थानक लोग आरोपियों नूं फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पंजाब ते हरियाणा तो बाद किसान कानून खिलाफ प्रदर्शन की अग दिल्ली तक पहुंच गई है। बीते दिन खेती बिलों खिलाफ रोस प्रदर्शन दौरान शहीद भगत सिंह के जन्मदिन मौके राजपथ से ट्रैक्टर साड़े जाने की खबर सामने आई सी। मिली जानकारी अनुसार ट्रैक्टर साड़े जाने के इल्जाम तहत 5 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। इन्हों तो पुछगिछ की जा रही है। दस दईए कि सरकार वालों पास किए खेती बिलों के देश के वख-वख हिस्सों में तिखा प्रदर्शन हो रहा है। लद्दाख विच चीन नाल बने टकराव वाले हालात के मद्देनज़र रक्षा विभाग ने हथियार खरीदने नाल जुड़िया एक अहम फैसला किया है। फौज लई 2,290 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने मंजूरी दे दी है। इन्हां विच देसी अते विदेशी दोनों तरह के हथियार शामिल ने। इस तहत अमरीका तो 72,000 सिग सॉवर राइफल खरीदने का रस्ता साफ हो गया है। रक्षा विभाग ने देश में 970 करोड़ रुपए के एंटी एयरफील्ड हथियार 540 करोड़ रुपए की लागत नाल स्टेटिक HF ट्रांस रिसीवर सैट खरीदने नूं मंजूरी दे दी है। नवे हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज तहत की जाएगी। यह दूजा मौका है जदों फौज नूं सिग सॉवर राइफल खरीदने की मंजूरी दी गई है। इस तो पहला फरवरी 2019 विच रक्षा विभाग ने 72,400 अमरीकी सिग सॉवर राइफल्स का ऑर्डर दिता सी। इस संबंधी 647 करोड़ का सौदा होया सी। 7.62x51 mm कैलीबर की इस राइफल नाल 500 मीटर की दूरी तक आसानी नाल निशाना लगाया जा सकता है। इस तो अगे भारत हैरन टैक्नोलॉजी नूं अपग्रेड करदिया मिजाइल फायरिंग गार्डियन ड्रोन अमरीका तो खरीदेगा। देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उत्तराखंड विच 6 मेगा प्रोजेक्टां दा उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान एक्ट ते होए विरोध प्रदर्शन ते भी प्रतिक्रिया दी। किसान बिल बारे प्रधानमंत्री ने आख्या कि खेती कानूनों का विरोध करने वाले किसानों के दोखी ने। उन्होंने आख्या कि कुछ लोग खेती सुधार कानूनों का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काली कमाई का एक होर राह बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी आख्या कि केंद्र सरकार किसानों को उन्होंने हक दे रही है, पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन से उतर आए ने। ये लोग चाहते हैं कि देश के किसान अपनी फसल को खुली मंडी विच नहीं वेचण। जिन्हां समाना ते उपकरणा दी किसान पूजा करदे ने ओह उन्हां नूं अग ला के किसानां दा अपमान कर रहे ने। किसानी संघर्ष दी खुल के हमायत कर चुकी पंजाब सरकार दे मुख्यमंत्री पहली बार अपने आराम घर चों बाहर निकल के आए ने ते खटखट कलां विच धरने विच शामिल होए ने। अजिहा शायद इसलिए कि पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत अपनी नियुक्ति तो बाद पहली बार पंजाब आए सन ते ओ भी धरने विच बैठे सन। दसिया जा रहा कि हुण कांग्रेस दे साबका प्रधान राहुल गांधी भी किसी दिन पंजाब दे किसानां दे धरने विच शामिल हो सकते ने। हालांकि तरीक अते समा अजे तय नहीं है, पर जानकारी है कि पंजाब दे नाल नाल हरियाणा दे किसानां दे संघर्ष विच भी शामिल होण दी संभावना है। राहुल अते सोनिया दे हुण तक किसानी बिल्लां नूं लै के धारी चुप कई सवाल खड़े कर रही है, पर हुण राहुल ने ट्विटर राही इस मुद्दे नूं लै के केंद्र ते ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिते ने। ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।